दोस्तों हम बैठे हुए हैं अपने बर्ड्स के पास और अभी फिशर का थोड़ा टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि फिशर में दोस्तों पहले एक पेयर ब्रीड कर रहा था, दूसरे ने भी अंडे दिए हुए थे और फिलहाल उसने दोबारा से अंडे जो है बाहर फेंक दिए हुए हैं। शायद उस केज में दोस्तों तीन पेयर हमारे फिशर लवर्स के हैं और शायद ये आपस में थोड़े डिस्टर्ब हैं दोस्तों, इसलिए हमें उधर से एक पेयर को हम सेपरेट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या बनता है। एक पेयर ने जो है ब्रीड की हुई है और आगे की अपडेट भी हम आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं दोस्तों, दोस्तों ये वो केज है जहाँ पर हमने 6 बर्ड्स हमारे हैं, 3 पेयर कुल मिला के 3 पेयर हमारे लवर्स के हैं, फिशर लवर्स के, और वो मटकी जो ऊपर है वहाँ पे ब्रीड आई हुई है, 2 बच्चे हैं दोस्तों। और यहाँ इस वाली मटकी में भी ब्रीड आई हुई थी लेकिन अंडे दोबारा से उस बर्ड ने बाहर फेंक दिए, शायद एक पेयर ज़्यादा होने के कारण। हालांकि हमने उसका भी एक मटका नीचे को लगाया था और एक मटका यहाँ पे भी है, फिर भी शायद बर्ड आपस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए हम एक पेयर को यहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। और फिलहाल एक ये ऑलिव कलर का आपको जो लबर दिख रहा है इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसके पैर को भी यहाँ से निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारे जो नान कबूतर है दोस्तों उसने भी अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे ये हैं, फीमेल फिलहाल अंडों पे बैठी हुई है और मेल भी आपको दिखाते हैं, मेल कहाँ, ये रहा दोस्तों इसका मेल दोस्तों, और मेल जो है अभी फ़िलहाल बाहर घूम रहा है और कुछ देर के बाद ये मेल है ये अंदर चला जाएगा और फीमेल बाहर आ जाएगी। और इसके बाद ये फैंटेल पिजन है हमारे, घूम रहे हैं और फैंटेल का एक चिक वो निकला हुआ है और ये कड़कनाथ मुर्गा है, थोड़ा बड़ा हो गया। और ये हमारी डक्स है दोस्तों, काफ़ी प्यारी सी डक्स हैं, और ये हमारे ये डक्स हैं दोस्तों, खाना ना दो दोस्तों, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं। कॉकटेल की भी दोस्तों अपडेट दे दूं कि कॉकटेल ने भी इस बार ब्रीड की हुई थी और चिक्स जो है काफ़ी अच्छे थे और हमने सेपरेट किए, और इसके बाद एक फीमेल यहाँ पे अलग की हुई है, इसका भी मेल नहीं है, और एक लबर्स हमने यहाँ इसी के साथ रखा हुआ है, ये मेल है और फीमेल इसकी भी दोस्तों नहीं है, और कुछ लॉन्ग टेल और जावा फिंच यहाँ पर रखी हुई है हमने, और काफ़ी अच्छी बर्ड्स हैं दोस्तों हमारे पास। बजिस पैरेट की ब्रीडिंग कॉलोनी से जो भी चिक्स निकलते हैं हम इस केज में सेपरेट कर देते हैं दोस्तों उसको, क्योंकि अगर बर्ड्स को अगर कॉलोनी में ही रखा गया तो वो बाकी वाले बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं जिससे ब्रीडिंग में इफेक्ट आता है, और बर्ड्स भी अगर ब्रीडिंग कॉलोनी में ही रहे तो उनके लिए ये लॉस हो जाता है कि जो बड़े बर्ड्स होते हैं दोस्तों वो उन्हें मारते हैं दोस्तों और इनके फैदर फूदर जड़ जाते हैं, और ये कई कई हालात में बर्ड्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है, इसलिए इनको अलग करना पड़ता है। ब्रीडिंग कॉलोनी में भी दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी बर्ड्स है हमारे जो ब्रीड कर रहे हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं मौसम चेंज होने के कारण दोस्तों कुछ बर्ड्स थोड़े ढीले भी हैं, और हम इनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, कुछ गर्म चीज़ें इन्हें जैसे एग हो गया और कुछ गर्म गर्म इसको दे रहे हैं दोस्तों ताकि बर्ड्स हमारे ठीक हो जाएँ। हालांकि सारे बर्ड्स ऐसे नहीं हैं, कुछ बर्ड्स को जैसे ही बारिश पड़ी थोड़ा मौसम ठंडा हुआ एकदम से तो बर्ड्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, डरने की कोई बात नहीं। ब्रीडिंग भी कहो दोस्तों काफ़ी अच्छी इस समय हमारी ब्रीडिंग कॉलोनी में आ रही है, और आपको हमारे सारे बर्ड्स कैसे लगे दोस्तों आपकी समझ में जरूर बताना। जो भी लव बर्ड्स का कुछ दाना होता है दोस्तों नीचे गिर जाता है दोस्तों तो हम उसे उठाते नहीं हैं, बल्कि हमारे मुर्गे जो है कबूतर जो है ये उसे खा जाते हैं। और ये हमारे केज लगा हुआ है बर्ड्स का, ये बाहर में ही आउटडोर में ही है, और काफ़ी खिलके धूप जो है इस पर आती है, सुबह की धूप जो है इन वाले केजों पे आती है और दोपहर तक ये धूप घूमती घूमती यहाँ पर आ जाती है और शाम को यहाँ से निकल जाती है दोस्तों। ये हमारी ब्रीडिंग कॉलोनी है, ये बर्ड्स के केज लगे हुए हैं, जो हमारे बजिस पैरेट है वो यहाँ पर हम रखते हैं, और ये कुछ ये नीचे वाला डक्स का है, ये मुर्गियों का है, मुर्गियाँ बाहर घूम रही हैं, और हमारा ये कबूतर है काफ़ी अच्छा कबूतर।